दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार मुझको बनाना पड़ती और मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पे जाता, लिहाजा मैंने उस मामले को ही खत्म कर दिया। आप जो गाली देंगे देंगे, लेकिन मैं कन्विंस हूँ कि मैंने ठीक काम किया। कश्मीर के राज्यपाल ने एक ऐसा बयान दिया कि कश्मीर से दिल्ली तक हलचल मच गई। सत्यपाल मलिक बोले, दिल्ली का दबाव था कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को सीएम बनाया जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करना मेरे लिए बेईमानी होता। दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार मुझको बनाना पड़ती और मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पे जाता, लिहाजा मैंने उस मामले को ही खत्म कर दिया। आप जो गाली देंगे देंगे, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं कि मैंने ठीक काम किया। ये बयान देने के बाद फौरन सत्यपाल मलिक का दूसरा बयान आया, जिसमें उन्होंने तबादले के डर की आशंका जताई। और मैं जब तक यहाँ हूँ, अपने हाथ में नहीं, पता नहीं कब तबादला हो जाए, नौकरी तो नहीं जाएगी, तबादले का खतरा रहता है। तो जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चिट्ठी भर भेज देना, मैं जरूर फूल चढ़ाने आया करूँगा हर साल। कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने दिल्ली से राज्यपाल के दबावों के आरोपों को खारिज किया है और कहा, राज्यपाल ने जो भी फैसला लिया सही लिया। देखो, एक चीज तो जाहिर होती है, हिंदुस्तान के संविधान में जो लिखा है गवर्नर के बारे में, गवर्नर ने अपना रोल अदा किया और किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार का प्रेशर नहीं था, तो मुझे लगता है इसी तरीके से काम करना चाहिए। अपनी हालात के अनुसार जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया, उसका स्वागत करते हैं। कुछ दिन पहले राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग करने का फैसला लिया था, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां अब तक बनी हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।